हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है असिस्टेंट इंजीनियर एई पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, टोटल जो है पोस्ट 89 है। ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्टिंग डेट है 10/2/2020, 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 10 मार्च 2020, 10/3/2020। साइट जो है psc.cg.gov.in पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 89 पोस्ट में सहायक अभियंता सिविल जल संसाधन विभाग में जो है 44 पोस्ट है। इसमें जो है अनारक्षित वर्ग में 19 सीट है और उसके बाद सेकेंड है सहायक अभियंता सिविल। सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग में जो है टोटल पोस्ट 3 है, इसमें अनारक्षित वर्ग में 1 पोस्ट है। उसके बाद तीसरा है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो है टोटल पोस्ट जो है 3 है। उसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिविल में जो है टोटल पोस्ट 4 है, अनारक्षित वर्ग में 4 पोस्ट है। सहायक अभियंता सिविल जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में टोटल 28 पोस्ट है, इसमें जो है अनारक्षित वर्ग में 12 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ के जो है मूल निवासी जो है उन्हीं को जो है आरक्षण मिलेगा और दूसरे राज्य के जो है अभ्यर्थी जो है सिर्फ अनारक्षित वर्ग से जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 5 में दिया है रिक्तियों में आरक्षण जो है कॉलम 4, 5, 6 में दर्शित पद केवल जो है छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी के लिए है। उसके बाद कॉलम 7, 8, 9 जो है एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु जो है आरक्षित है। इसमें जो है सेकेंड पॉइंट में दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है केवल आवेदन अनारक्षित श्रेणी में के अंतर्गत आएंगे। इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल है उस क्वालिफिकेशन वो है सिविल मैकेनिकल विद्युत में जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण नोट में है मिनिमम एज जो है 21 वर्ष से कम अथवा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के लिए जो है उच्चतर आयु जो है वो 40 वर्ष होगा। आयु की गणना जो है 1/1/2020 से जो है किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है शुल्क लगेगा वो है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में जो आता है उसके लिए जो है 300 रुपया लगेगा और उसके बाद शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए जो है 400 रुपया जो है शुल्क देना होगा। एग्जाम जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ये 2 स्टेज में होगा। प्रथम चरण में जो है 2 पेपर होगा, प्रथम प्रश्न इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी पूछा जाएगा एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है टेक्निकल से होगा, सिविल यांत्रिक या फिर विद्युत से संबंधित होगा, जिनमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी। जो सिविल से है उसे सिविल में देना होगा। एग्जाम में जो है ऋणात्मक नेगेटिव जो है मार्क्स का प्रावधान नहीं है। प्रथम चरण में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा इसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 1 में जो है प्रश्नों की संख्या 150 होगा और टाइम मिलेगा 2.5 घंटे और टोटल अंक जो है 300 होगा और टेक्निकल में जो है 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे में 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और 300 अंक का होगा। इंटरव्यू के लिए जो है कम से कम जो है अनरिजर्व कैटेगरी को जो है 40% अंक प्राप्त करना होगा और रिजर्व कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 30% जो है मिनिमम अंक लाना होगा। साक्षात्कार जो है इंटरव्यू जो है 75 अंक का होगा
अब एग्जाम का हम सिलेबस देखते हैं। सामान्य अध्ययन जो है पेपर वन में, सामान्य अध्ययन जो है भारत का इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी जो है क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भाग दो होगा, उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं। उसके बाद भाग तीन में जो है बुद्धिमत्ता परीक्षण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें गणितीय योग्यता बुद्धिमत्ता परीक्षण जो है होगा। उसके बाद पेपर टू जो है ये टेक्निकल होगा। इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट वन में, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद आरसीसी, प्री स्ट्रेस से भी क्वेश्चन आएगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएगा। पार्ट टू जो है टेक्निकल का, इसमें फ्लूड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉयल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी जो है क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा सिविल का सिलेबस हो गया।